हाय, गीताशा गाइडलाइंस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। ये एंट्री और एग्जिट गेट है जहां से अभी हम पास हो रहे हैं। ये नैरो पैसेज के अलावा ये पूरी जगह को अब ब्यूटीफाई किया गया है। रेनोवेशन के बाद 28 अगस्त 2021 में हमारे पीएम मोदी जी ने इस जगह को इनॉग्रेट किया। हमने स्कूल में हिस्ट्री सब्जेक्ट में जलियांवाला बाग, अमृतसर पंजाब इंडिया के डेडली मैसेकर के बारे में हमें पढ़ाया गया है। आज के व्लॉग में हम जलियांवाला बाग मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में जाकर इस स्केरी इवेंट के बारे में जानेंगे। तो प्लीज इस स्कैरी इवेंट के बारे में और जानने के लिए वीडियो प्लीज आखिर तक देखें। यहां पर चार गैलरीज, अमेजिंग गार्डन, खूनी कुआ, प्रोजेक्शन मैपिंग, 3D प्रेजेंटेशन, फोटोग्राफ्स, म्यूरल्स, स्कल्पचरल इंस्टॉलेशन, ग्रेनाइट स्लैब्स जिसमें स्टोरीज लिखी गई है, ब्लैक एंड ग्रे ग्रेनाइट स्टोन वॉल्स पर मैसेकर विक्टिम्स के नाम और स्लोगन है। हम डिफरेंट गैलरीज देख रहे हैं। प्लीज ये वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि अभी मैं आपको थोड़ी देर में ऊपर की तरफ हम जाएंगे जहां पर 100-सीटर थिएटर है और उस थिएटर में हम वीडियो की क्लिप देखेंगे जिसमें मैंने म्यूजिक डाला हुआ है और थोड़ा सा और गैलरीज में भी मैंने म्यूजिक डाल के ऐड किया है। उसके बाद मेरे वॉइस में मैं आपको इस जगह के बारे में और बताऊंगी। तो आप सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहे हैं। ये आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ब्यूटीफाई किया गया है इस जगह को। इस गैलरी में हमने डिफरेंट चीजें देखी हैं। मैं वीडियो थोड़ा थोड़ा स्लो ही लिया मैंने कि आप पॉज करके जहां पर भी कुछ पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए।
ब्रिटिशर जनरल डायर 100 ट्रूप के साथ जलियांवाला बाग आए, और जो हमने स्टार्टिंग में एंट्री एग्जिट गेट देखा था, एक ही गेट से एंट्री और एग्जिट थी, वो नैरो गेट था, वहां पर उन्होंने टोप रखवा दिया और गेट बंद कर दिया। फिर ब्रिटिशर्स ने सभी पर ओपन फायर का आदेश दिया। हजारों इंडियंस की भीड़ पर लगातार गोली की बारिश हुई। ये मौत का तांडव में खून की नदी बह रही थी, जिसमें बहुत सारे लोग, इनोसेंट मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, जो रूलेट एक्ट के बारे में, जिस बारे में वो वहां पर गैदर हुए थे, उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने अपनी जान गंवाई, काफी घायल भी हुए। ना वो एस्केप कर पाए नैरो गेट के वजह से। 10 से 15 मिनट फायरिंग की, जब तक सारी बुलेट्स खत्म नहीं हुई। इनोसेंट लोगों ने जान गंवाई, बहुत सारी लाशें। अभी जो हम देखने वाले हैं वेल, इसे मार्टल्स वेल या मौत का कुआ भी कहा जाता है। ये रहा वो वेल जहां लोगों ने, यानी विक्टिम्स ने, गोली से बचने के लिए कुएं में जंप कर दिया। ये हिस्ट्री का काला दिन था। 120 डेड बॉडीज कुएं से निकाली गई। यहां लोगों ने ना अपनी जान वो बचा पाए, ना उन्हें संभलने का मौका मिला, और ना उन्हें भागने का वक्त मिला। बुलेट फायर करने का आदेश जनरल डायर ने कोई चेतावनी बिना क्राउड पर उन्होंने किया। अभी हम आगे देखने वाले बुलेट मार्क्स, ये 28 व्हाइट बुलेट मार्क्स दीवार पर, ये जो गोली के निशान दिखाई दे रहे हैं, ये फायर किए गए थे लोगों पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसी और एक दीवार मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के समय 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर पंजाब में लोग रूलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। इस एक्ट में अंग्रेज किसी भी इंडियन को जब चाहे गिरफ्तार और जेल में डाल सकते थे। ये रैली का दूसरी मांग
रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी थी। लोग प्रोटेस्ट के लिए सुबह जलियांवाला बाग ये पब्लिक गार्डन में वो गैदर हुए। जलियांवाला बाग इंडियन हिस्ट्री की एक ट्रेजिक और शेमफुल इवेंट है। ये इवेंट ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स का इंडियन लोगों पर इनजस्टिस दिखाता है। आज हम इस आजादी को एंजॉय कर रहे हैं। वो आजादी बहुत ही मुश्किल से हमें मिली है। ये आजादी सस्ती नहीं थी। ये हिस्ट्री का चैप्टर हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। ये जगह यंग जनरेशन को इंस्पायर करती है, इसलिए इन्हें जरूर यहां विजिट करना चाहिए। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है उनका दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें आगे के नोटिफिकेशंस के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप कभी यहां पर विजिट किया आपने पहले तो आपका अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हमारे चैनल पर गीताशा गाइडलाइंस यूट्यूब चैनल पर आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। इस जगह को बहुत अच्छे से ब्यूटीफाई किया गया है। बहुत सारे लोग यहां पर विजिट कर रहे हैं, आप जैसे देख सकते हो, फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं मेमोरीज के लिए, घर पे जाके या लोगों को उन्हें दिखाना है। सभी को ये जगह बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत इंस्पायरिंग लगती है। ये वीडियो में मैं कहीं कहीं पे जैसे मैंने आपको बताया है मैंने पॉज किया है, आप और भी थोड़ी देर पॉज करके पढ़ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। फ्लेम ऑफ लिबर्टी, ये फ्लेम हमारे दिल में अभी भी जिंदा है। वंदन है उन सभी लोगों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई। अब हम अमर ज्योति की तरफ जा रहे हैं। इसे इटर्नल फ्लेम भी कहा जाता है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है। मैं उम्मीद करती हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।